हेलो एवरीवन, आज से हम डिप्टी इंस्पेक्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और रिसेंटली JKSSP की तरफ से डिप्टी इंस्पेक्टर का सिलेबस निकाला गया है, बट अनफॉर्चुनेटली सिलेबस इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको पढ़ने के लिए अगर एक साल का टाइम भी दिया जाए वो भी कम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैक्सोनॉमी। देखिए, क्योंकि सबसे जो स्टार्टिंग में जो सिलेबस के अंदर जो स्टार्टिंग में है वो है टैक्सोनॉमी, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। किस तरह से चीज़ें आती हैं, क्या क्या होता है, वही हम देखेंगे आज इस लेक्चर में। देखिए, जो टैक्सोनॉमी होता है ये दो वर्ड का बना होता है, एक है टैक्सस और दूसरा है नोमोस। टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ। कुछ लॉज दिए गए हैं किसी भी चीज को अरेंज या क्लासिफाई करने के लिए। तो टैक्सोनॉमी क्यों नीड है, क्योंकि इस टाइम 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को जाना गया है, वो मास टैक्सोनॉमी की ही वजह से, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर कैटेगरी प्रॉपर अरेंजमेंट अच्छी तरह से करते हैं। दिस वर्ड वॉज प्रपोज्ड बाई APD कैंडोले इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डीले बोटानिका थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। देखिए, जो टैक्सिस है इसका मतलब अरेंजमेंट होता है, नोमोस का मतलब लॉज होता है। अब जो ये वर्ड है ये प्रपोज किसने किया है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप बताइए कि टैक्सोनॉमी का जो वर्ड है वो प्रपोज किसने किया है, वो है APD कैंडोल। किस बुक में उसने वर्ड यहाँ पे लिखा है, प्रपोज किया है, वो है थ्योरीज एलिमेंट्री डी लॉ बोटनिक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ओके, उसके बाद है टैक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जो टैक्सोनॉमी है वो किसकी स्टडी को करने के काम आती है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है नोमेनक्लेचर, फिर होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो है ये इन्वॉल्व होती है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, नोमेनक्लेचर के अंदर नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैटेगरीज करने के काम आता है। प्रोसेस identification process by which an organism is recognized from the other already known organism and is assigned to a particular taxonomic group is called identification. उसके बाद क्या है, nomenclature, name of organism according to international scientific rules is called nomenclature. फिर है classification, a process by which any organism is grouped into convenient categories on the basis of some easily observable character. ये है classification. उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है, द टर्म सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय लिनियस। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिस्टमैटिक टर्म किसने दी है, वो है लिनियस। द वर्ड सिस्टमैटिक जो है ये ड्रिवन फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है ना, क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस यूजेस सिस्टमा नेचुरिया एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। सिस्टमैटिक इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब नोट क्या है, नोट देखिए आप, इन मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज टैक्सोनॉमिस्ट यूज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो सिस्टमैटिक है, ये जो सिस्टमैटिक है एक होती है ओल्ड सिस्टमैटिक, एक होती है न्यू सिस्टमैटिक। अब ओल्ड सिस्टमैटिक के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इट डील्स विद मॉर्फोलॉजिकल फीचर। और जो न्यू सिस्टमैटिक होता है, इट इज यूज टू नोन द इंटर रिलेशनशिप एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की टाइप्स कितनी है, सबसे पहले जो टाइप है वो है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इज क्लासिफिकेशन और इज सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड साइटो टैक्सोनॉमी। देखो, जो साइटो टैक्सोनॉमी होती है ये बेस्ड होती है ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जिस तरह से क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये होता है साइटो टैक्सोनॉमी। दूसरा होता है कीमो टैक्सोनॉमी, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स। ठीक है, तो ये द बेसिक केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन कीमो टैक्सोनॉमी आर एल्कलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स,
टैनिन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। सम इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, सेकंड, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन कोरल रीफ्स। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अगर वहां पे ये आ गया कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, आप लिख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, अगर वहां पे दिया गया होगा ऑप्शन। तो सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, वो होती है कोरल रीफ्स के अंदर। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइबल रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस। तो कितनी स्पीशीज अभी तक नोन है जो डिस्क्राइब है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियंस। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ओके, नॉमन क्लेचर क्या है? अब क्या है नॉमन क्लेचर? बाइनोमियल सिस्टम। सबसे पहले नॉर्मल क्लेचर की अगर हम बात करें, नॉर्मल क्लेचर के पहले हमें क्या, नॉर्मल क्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें बाइनोमियल सिस्टम है जो कि गिवन बाय कैरोलस लेनियस ने। कैरोलस लेनियस जो है, लेनियस यूज दिस नॉर्मल क्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम और लार्ज स्केल एंड प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैरोलस लेनियस ने जो नॉर्मल क्लेचर दिया, जो नाम दिया बाइनोमियल सिस्टम, इसने जो बहुत सारे जो लार्ज स्केल्स के अंदर इसने क्या किया, साइंटिफिक नेम दिया प्लांट्स और एनिमल्स को। लीनियस इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्रिएचर किसने दिया, आंसर क्या आएगा, लीनियस। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटरम। अगर वहां क्वेश्चन ये पूछा गया कि लीनियस ने साइंटिफिक नेम जो प्लांट्स को दिया वो किस बुक से दिया, ठीक है ना, वह स्पीशीज प्लांटरम। इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753। सो दिस वाज द इनिशिएशन ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ फॉर प्लांट। सो एनी नेम प्रपोज्ड फॉर प्लांट्स बिफोर दिस डेट इज नॉट एक्सेप्टेड टुडे। तो ये है, ठीक है ना, किसके बारे में है, लिनियस के बारे में। लिनियस प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल इन हिज बुक सिस्टिमा नेचुरिया। देखो प्लांट्स की अगर हम बात करें, साइंटिफिक नेम जो प्लांट्स को दिया उस बुक का नाम क्या था, स्पीशीज प्लांटरम। और जो एनिमल का नाम दिया उस बुक के अंदर वो है सिस्टिमा नेचुरा, ये 10th एडिशन। दिस 10th एडिशन ऑफ सिस्टिमा नेचुरा वाज पब्लिश्ड ऑन 1 अगस्त 1758। So, initiation of binomial system for normal for animal is believed to be started on 1 अगस्त 1758। Okay? फिर क्या है जी, ICBN। ICBN जो है इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज नोन एज ICBN। तो ICBN जो है, जब जो भी हम कलेक्शन करते हैं रूल्स रिगार्डिंग किसके, साइंटिफिक हो नॉमेनक्लेचर प्लांट की, उसको हम कहाँ पे रखते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। ICBN जो है ये फर्स्ट एक्सेप्टेड हुई 1961 के अंदर। मेन रूल्स क्या है ICBN के, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स आर वर्ड्स। अगर हम देखें बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में की बात करें, तो जो जो नेम है किसी स्पीशीज का नाम लें, वो टू कंपोनेंट्स या टू वर्ड्स के अंदर वो क्या है डाला गया है। पहला जो होता है उसके अंदर जेनेरिक नेम होता है जिसको हम कहते हैं नेम ऑफ जीनस, और दूसरा क्या होता है स्पीशीज नेम। ओके, अब जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं पोटैटो की, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये नाम है पोटैटो का साइंटिफिक नाम। अब ये जो है सोलेनम जो है ये जीनस है, और ट्यूबरोसम जो है ये स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम बोलते हैं स्पीशीज है। अब ये दोनों दो वर्ड का बन गया। जिस तरह ये मैंगी फीरा एंडिका, मैंगो का नाम साइंटिफिक नाम क्या है, मैंगी फीरा एंडिका। अब एक बात और, यहाँ पे जो जीन्स का नाम होता है, जेनेरिक नेम जो होता है, ये कैप जो जीन्स, देखो इन प्लांट नोमेनक्लेचर ICBN टेटोनिम्स आर नॉट वैलिड। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी द सेम इन प्लांट्स। एग्जांपल मैंगीफीरा मैंगीफीरा, बट
टेटोनोम्स आर वैलिड इन एनिमल्स नोमेनक्लेचर ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN. एग्जांपल नाजा नाजा इंडियन कोबरा रैटस रैटस रैट. ओके, मतलब ये है, यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम एनिमल की हम बात करें, यहाँ पे एक जो सेम नेम हो सकते हैं स्पीशीज और जीनस में, ठीक है. लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें वहां पे सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है. अब मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है, मैंगी फीरा एंडिका. यहाँ पे इसने ये बताया है कि देखो अगर हम मैंगी फीरा लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा. ओके, लेकिन अगर यहाँ पे हम एंडिड कोबरा की बात करें, यहाँ पे एंडिड कोबरा है नाजा नाजा, यहाँ चल सकता है, ठीक है ना. ICZN में चल सकता है, लेकिन जो ICBN वहां पे नहीं चलता है. फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर. ये आपको मैंने पहले बताया, जो पहला लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल होता है, स्पीशीज का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है. व्हेन रिटन विद फ्री हैंड और टाइपड देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो जब हम इसको फ्री हैंड से या टाइप करते हैं तो हमें क्या करना है, जिस तरह ये मैंगी फेरा है इसको अंडरलाइन करना है अलग से, एंडिका को क्या करना है अलग से. अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, इटैलिक के अंदर वो या ट्विनकेट दे लैटिन ओरिजिन ओके होना चाहिए. नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड नोमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. अगर हम लिखें साइंटिफिक नाम तो हम बिल्कुल शॉर्ट लिख सकते हैं, वो भी जब हम साइंटिफिक नेम जिस तरह से मैंगी फीरा एंडिका ये लिनस ने दिया है LINN, बस इतना शॉर्ट लिख सकते हैं, ये रूल है. नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉर इन इटैलिक्स बट रिटन इन रोमन लेटर्स सिंपल अल्फाबेट्स. अगर हम साइंटिस्ट की नाम की बात करें उसको हम ना तो अंडरलाइन करते हैं ना तो इटैलिक लिख सकते हैं, बट रोमन लेटर के अंदर उसको हम सिंपली अल्फाबेट के अंदर लिख सकते हैं. साइंटिफिक नेम शुड बी डेरिवेड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज. ओके, और आठवां रूल क्या है, टाइप स्पेसिमिन हर्बेरियम शीट ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम. ये कुछ रूल्स हैं ICBN के जो कि हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमी के अंदर. अब है ट्राइनोमियल सिस्टम. ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है, ठीक है, देखिए आपको पता है लिनियस ने तो नॉर्मल फीचर दिया बट बाइनोमियल दिया. ट्राइनोमियल जो दिया वो है हॉक्सली एंड स्ट्रिकलैंड. ये दो साइंटिस्ट हॉक्सली एंड स्ट्रिकलैंड जिन्होंने ट्राइनोमियल सिस्टम दिया. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ थ्री वर्ड्स. इसमें क्या है, एक जेनरिक नेम होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, तीसरा क्या होगा, सब स्पेसिफिक एपिथेट, दैट मींस नेम ऑफ वैरायटी. जिस तरह से ये है ब्रैसिका ओलेरिसा बोट्रेटस, कॉलीफ्लोर का साइंटिफिक नाम है, एक दो तीन, ये हो गया जेनरिक नेम, ये है स्पेसिफिक एपिथेट मींस स्पीशीज नेम, ये है वैरायटी का नाम. इस तरह से कैबेज ब्रैसिका ओलेरिसा कैपिटेटा, कैबेज बंदगोभी का नाम है. तो ये चीजें ये जो होते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम. क्लासिफिकेशन ये भी टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ना है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जब एक ऐसा आर्ट, क्लासिफिकेशन एक ऐसा आर्ट होता है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं बहुत से ऑर्गेनिज्म को, उनको हम प्लेस करते हैं ग्रुप्स के अंदर और हम उसके अंदर अच्छे अच्छे जो फीचर्स हैं उनको देख के, उनकी रिलेशन को देख के, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और पर्पस क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, टू ऑर्गेनाइज द वेस्ट नंबर ऑफ नोन स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स एंड टू कैटेगराइज दैट कुड बी नेम्ड रिमेम्बर्ड एंड स्टडीड. ये है पर्पस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का. अब टाइप क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, टाइप की बात करें, पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, एक टाइप. इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन
प्लांट्स हो या एनिमल्स हो क्लासिफाई करते हैं बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ह्यूमन यूज। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द अर्लीस्ट सिस्टम। ये बहुत पुरानी सिस्टम है। ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसी टाइप क्लासिफिकेशन है जिसमें हम एनिमल या प्लांट्स को बेसिस ऑफ उसकी इकोनॉमिक को और उसकी इंपॉर्टेंस को ह्यूमन यूज के लिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं। बट ये जो है ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जिस तरह से ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं इसके अंदर क्या क्या है, कोकोनट है, वॉलनट है, सोयाबीन है। फिर है फाइबर यील्डिंग प्लांट्स जिसके अंदर जूट है, कॉटन है। उसके बाद है मेडिसिनल प्लांट जिसके अंदर रिवुल्फिया है, सिंकोना है, यूकलिप्टस है। नोट, इन दिस क्लासिफिकेशन एनी वन प्लांट कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप। जिस तरह टर्मरिक है मल्टी यूज प्लांट, इट यूज बोथ मेडिसिन एंड स्पाइसेस। एट टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एस्टेब्लिश किए प्रोसीजर और टेक्निक्स जो कि स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को एज वेल एज द स्पेसिमेन को। तो उसके लिए उन्होंने क्या किए, सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड यू। देखो जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एड्स, जिस तरह हर्बेरियम बनाए गए, ड्राई गार्डन्स बनाए जा रहे हैं। हर्बेरियम का क्या काम होता है, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। जहाँ पे प्लांट्स कलेक्ट किए जाते हैं, प्लांट्स के स्पेसिमिन को ड्राई करके रखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बेरियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, शीट के ऊपर इसको प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखा जाता है। स्टैंडर्ड साइज जो होता है हर्बेरियम का, वो शीट का, वो क्या होता है, 11.5 x 16.5 इंचेस। और जो हर्बेरियम है ये एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो है बॉटनिकल गार्डन। ये भी एक एड है, जो ये होते हैं स्पेशलाइज्ड गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये जो लिविंग प्लांट्स हैं उनको वहां पे रखा जाता है। यहाँ पे बहुत से बॉटनिकल गार्डन्स हैं। प्लांट स्पीशीज जो है इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्पज, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। तो जो प्लांट वहां पे लगाया जाता है उस प्लांट के ऊपर साइंटिफिक नेम दिया जाता है, बॉटनिकल साइंटिफिक नेम और किस फैमिली से ये बिलोंग करता है वो भी लिखा जाता है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन जिस तरह क्यू है इंग्लैंड के अंदर, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा इंडिया के अंदर है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया के अंदर है। फिर है जी एड कौन सा, म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम जो है ये बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज। म्यूजियम्स जो है ये खासकर स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ये सेटअप किए जाते हैं। वहां पे क्या होता है, कलेक्ट किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस, किसके लिए, फॉर स्टडी के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार्स, या कंटेनर के अंदर या जार्स के अंदर वहां पे रखे जाते हैं, उनके अंदर कुछ सोल्यूशन डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए। प्लांट इन एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन जो है ये यूज किया जाता है एनिमल्स को वहां रखने के लिए ताकि वो सड़ ना जाए, गल ना जाए। खासकर जो स्केलेटन होता है एनिमल्स का वो ज्यादातर वहां म्यूजियम के अंदर आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम जहाँ पे दिखाया जाता है। फिर है जी जूलॉजिकल पार्क्स, दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। जूलॉजिकल पार्क्स वो जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्ट करके एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर। वहाँ उनको वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं, उनकी केयर की जाती है अच्छी तरह से, और उनका जो हैबिट्स होते हैं, फूड हैबिट्स और बिहेवियर, उसको उसी हिसाब से दिया जाता है जिस तरह से एक आम, जिस तरह वो घूमते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फॉर पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचर हैबिटेट्स। जिस तरह से नेचर हैबिटेट्स के अंदर जो एनिमल्स रहता है अगर वही पकड़ा गया, उसको पकड़ के अगर हमने रखा जूलॉजिकल पार्क के अंदर, उसको वैसा ही हैबिटेट देना जरूरी हो जाता है।
चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज, उनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, देखिए जू में हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, जू देखने जा रहे हैं, दिल्ली जू देखने जा रहे हैं। बहुत सारे जू जो है आजकल हमारे हिंदुस्तान में बने हुए हैं। अगर हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो तो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जॉन रे प्रपोजिटरी टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, अगर वहां ये पूछा जाए कि जो स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो किसने टर्म प्रपोज किया, जॉन रॉय है जिसने प्रपोज किया, रॉय ने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ही डिस्क्राइब मोर देन 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हिज बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम। ये जो है बुक ये जॉन रॉय ने लिखी है, इसके अंदर 18,000 किस्म के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनको यहाँ पे लिखा गया है और इनके जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है एर्नेस्ट मायर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, एर्नेस्ट मायर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था जिन्होंने प्रपोज किया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। मायर ने डिफाइन किया था स्पीशीज इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मायर, मायर ने क्या कहा, ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। इसने कहा वो स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड करे और प्रोड्यूस करे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब उन जो ऑफस्प्रिंग हो वो भी आगे जाके बच्चे निकाले, मतलब ऐसे स्पीशीज को उन्होंने क्या कहा कि उनको हम कहते हैं ये सेम स्पीशीज के मेंबर हैं। बट दिस डेफिनेशन ऑफ मायर वाज इनकम्प्लीट बिकॉज दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग बींग्स बिकॉज देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब क्या हुआ, ये जो जो मायर की जो डेफिनेशन थी उसको इनकम्प्लीट करार दिया गया क्योंकि इसने सेक्सुअली बात की थी, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की रिलेटेड बात की थी, तो बाद में और बहुत डेफिनेशन आई उसमें उन्होंने ए सेक्सुअल भी डाला, तब जाके इस तरह बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्म है, बीजी है, ठीक है ना। द मेन करेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी स्पीशीज इज इंटरब्रीडिंग, मेन करेक्टर क्या है, इंटरब्रीडिंग, जो ऑलरेडी मायर ने कहा था। बट दिस करेक्टर इज नॉट यूज्ड इन टैक्सोनॉमी, अब टैक्सोनॉमी के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इन टैक्सोनॉमी द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज मेजली मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, अब मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पे इनको क्या किया जाता है, देखा जाता है। टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है, व्हेन द स्पीशीज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, जब इसको मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर देखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज कहा जाता है। हम कुछ गोल्डन की पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। वो टैक्सोनॉमी किसने प्रपोज किया, एपीडी कैंडोली ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, ओके। इट वाज लिनियस हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज इट बाइनोमियल नॉर्मल सिस्टम ऑफ क्लेचर, किसने दिया था, लिनियस ने, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्लेचर। ICBN जो एक कब हुई, एक्सेप्ट 1961 के अंदर। इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स होते हैं ये क्लासिफाई करते किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। और क्या है, अगर हम बात करें इन नेचुरल क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। स्पीशीज इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच रैंक और टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। Herbarium sheets are arranged in universally accepted system of classification. In museum, insects are preserved in insect box after collecting, killing and pinning. Biological concept of species is based on reproductive isolation.